के प्रधानमंत्री को वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वॉयलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वॉयलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशियरी से जो सीजीआई हेड करते उसको, तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए वो भी गलत है, वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़ी आप लोग, आर्टिकल 53(1) ये कहता द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 53(1)। तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।